गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरु घंटाल में। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो उनके क्या कहने, उन्हें आप सिद्धि विनायक कहो, उन्हें आप वरद विनायक कहो, उन्हें आप कुछ भी कहो। माना यह जाता है कि हम हिंदुओं में बिना इनका नाम लिए कभी भी कोई काम शुभ नहीं होता। अगर आपको कभी भी कोई काम शुभ और बिना किसी विघ्न के करना है तो इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, गणपति बप्पा। दोस्तों, गणपति बप्पा का एक रूप है जिसको हम लोग लाल बाग के राजा के नाम से भी जानते हैं, जो कि मुंबई में परेल करके एक जगह है, वहां पर स्थापित होती है। और दोस्तों, ये भारत के महत्वपूर्ण पूजा पंडालों में से एक है, या आप कह सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण पूजा पंडाल है पूरे भारत का। तो दोस्तों, आज हम इसी लाल बाग के राजा के पीछे की कहानी पे, और ये कब स्टार्ट हुआ, फिर आपका इस बार की मूर्ति किसने आपकी सजाई है, ये जो डेकोरेशन हुआ है वो किसने किया है, ये सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर एक बार फिर से गणपति बप्पा का नाम लेकर, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, इतिहास ये कहता है कि लाल बाग के राजा की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी और ये मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब बाल गंगाधर तिलक ने सन 1894 के करीब आपकी गणेश पूजा की शुरुआत की थी, क्योंकि ये एक माध्यम था ताकि कई लोग आपका आए, मिलकर उत्सव मनाए, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग, ताकि हम एकजुट हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बप्पा की जरूरत उस वक्त भी थी, आज भी है, और तब से दोस्तों 1934 से लेकर अभी तक लगातार आपका लाल बाग के राजा की पूजा की जाती है मुंबई में। दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइन लगाते हैं इनके दर्शन करने के लिए। अंबानी, टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े लोग लाइन लगाते हैं आपका लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनको आपका नवसाचा गणपति भी कहा जाता है, मतलब कि जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं उनके रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये 11 दिन जो आपका गणेश नवरात्र कहलाता है, ये मुंबई के लिए बड़ा ही उत्सव का दिन होता है। इस दिन आप कुछ भी मांग लो गणपति जी से, ये आपको जरूर दे देते हैं। दोस्तों, एक कहानी है इसके पीछे। कहा यह जाता है कि एक जमाने में मुंबई के लाल बाग के व्यापारियों को कारोबार में बड़ा घाटा हो रहा था, तो व्यापारी ये चाहते थे कि लाल बाग की एक खुली जगह पर बाजार लगे, और कहते हैं कि इसी इच्छा के साथ कुछ व्यापारियों ने लाल बाग के राजा के पंडाल की स्थापना की। और दोस्तों, वहीं से उनकी किस्मत चल उठी और तब से लेकर आज तक लगातार लाल बाग के राजा की पूजा की जाती है। तो इसीलिए दोस्तों गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये इस बार के लाल बाग के राजा की फोटो है। और दोस्तों, इस बार के जो आपके मूर्ति कलाकार हैं वो हैं आपके संतोष कांबली, और इसका इस बार जो पंडाल का थीम है वो आपका कलाकार नितिन देसाई जी द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, संतोष कांबली एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और बड़े फेमस मूर्तिकार हैं मुंबई में। आप गूगल में कभी भी सर्च करके इनके फोटो को देखिएगा तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन्हीं के यहाँ से आपके गणपति जी की मूर्ति को खरीदते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि संतोष कांबली जी के पास सच में गणपति बप्पा जी ने एक बहुत ही भव्य आपकी कला दी है, एक बहुत ही भव्य आपका टैलेंट दिया है, जिसके कारण वो इतना ज्यादा हमारे देश के कल्चर को दूर दूर तक फैला रहे हैं। और दोस्तों, इस बार का जो मंडल है उसे करीब करीब 51 करोड़ रुपए का बीमा मिला है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा लेकिन एक बड़ा प्यारा सा वीडियो
गणपति बप्पा को समर्पित, आप लोगों को समर्पित कि आप भी इस वीडियो को देखें और जानिए कि आपका जो लालबाग के राजा है वहां पे आपका उनकी हिस्ट्री क्या है, कब से उनकी पूजा हो रही है, ठीक है, उनके पूजा होने के पीछे की कहानी क्या है। और एक बात और दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मुंबई जाना है लालबाग के दर्शन करने हैं तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो सबसे नियरेस्ट लोकल स्टेशन है वो आपका चिंचपोकली है, वहां से आपको 10 से 15 मिनट में आप लालबाग पहुंच जाओगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। गणपति बप्पा मोरिया।